आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पंजाब से किसान के 5 संगठनों के लोग पहुंचे, जिनमें आज़ाद किसान भी पहुंचे और हजारों की संख्या में किसानों ने MSP और जो मोदी सरकार ने वादे किए थे उनको लेकर याद दिलाने के लिए आज फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान बैठे और कहा कि अगर मोदी सरकार हमारे वे पुराने वादे पूरे नहीं करते, शायद हमें एक बार फिर पहले की तरह बोर्डरों पे बैठना पड़ेगा और सरकार को जगाने का काम करना पड़ेगा। इस मौके पे हमने किसान मोर्चे के अध्यक्ष से बात की, आइए हम सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना। पहुंचने का क्या उद्देश्य है, क्या आप लोगों की मांग है? देखो, हमारा कोई दिल्ली में पहुंचने का शौक तो नहीं है। सरकार हमारे साथ बेइंसाफी कर रही है, सरकार किसानों को डिसीव कर रही है। उन्होंने कुछ मांगे प्रमाण की थी जब दिल्ली मोर्चा लगा था, 3 कानून तो रद्द हो गए, पर MSP की कानूनी गारंटी नहीं दी, किसानों पर दर्ज केस वापस नहीं हुए, लखीमपुर खीरी वाले किसानों को इंसाफ नहीं मिला और किसानों के जो कर्जे हैं उनके बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया। ये मांगे तो सरकार ने मानकर मुकर गई है, इसके लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। कुछ पंजाब की मांगे हैं, पंजाब है जो 5 दरियाओं की धरती है, इसलिए पंजाब बोलते हैं इसको, पर पंजाब का बहुत सारा पानी पंजाब से बाहर जाता है, गैर रिपेरियन स्टेट को जाता है, राजस्थान को, दिल्ली को जाता है, दूसरी स्टेट्स को जाता है, पर पंजाब है जो दरियाओं की धरती, पंजाब का फर्स्ट राइट है पानी पर। पहले पंजाब की सारी धरती को पानी मिले, और जो केंद्र ने गलत फैसले एंटी पंजाब किए हैं अननेसेसरी इंटरफेरेंस करके, तो उनको सारे को स्क्रैप किया जाए, रद्द किया जाए। हम मांग रहे हैं पंजाब की एक एक दंती को पानी मिले और पंजाब का वातावरण बचे। आज सारे संसार में आप देखो कि टेम्परेचर राइज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो ये इंसानों की बीमारियां फैल रही हैं और जो क्रॉप पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। जो क्रॉप्स गर्मी में होती थी वो सर्दी पड़ जाती है, कभी सर्दी गर्मी पड़ जाती है, टेम्परेचर राइज कर जाता है, इसलिए कोई रिसर्च नहीं हो रही कि ऐसे बीज आजाद हो जाए जो क्लाइमेट और डिजीज रेजिस्टेंट हो। खेती बाड़ी का उत्पादन गिर रहा है, वर्ल्ड ओवर अनाज का क्राइसिस है और हमारे देश में तो आने वाला है, अनाज के भंडार खाली हो रहे हैं और सरकार खेतीबाड़ी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। किसानों को सिर्फ कितना कर्ज है, 12 लाख करोड़ है। आप कॉरपोरेट सेक्टर का तो 12 लाख करोड़ NPA कह दिया, बैड लोन कह दिया, तो जो किसान अन्नदाता है, सारे देश को रोटी देता है, मोदी भी उसी की रोटी खाता है, तो उसका कर्जा क्यों नहीं माफ़ करते? इसलिए खेतीबाड़ी का ध्यान करो। देखो, ऐसे ही करना पड़ेगा, ये दूसरी बोली तो समझता नहीं प्रधानमंत्री, ये संघर्ष की बोली समझता है। पंजाब के लोग पहले संघर्ष करके आए थे, एक साल बैठे और खेती कानून रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया, तो अभी अगर वो फिर धक्का कर रहा है पंजाब से, कॉरपोरेट सेक्टर को ले आ रहा है और खेती के खिलाफ कानून पास कर रहा है, दोबारा आंदोलन खड़ा हो रहा है, पंजाब से शुरू होगा, देश भर का आया और मोदी को मजबूर करेंगे किसानों की मांग को मानने के लिए अगले समय में।